खबर लखनऊ से है, जहां पर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर सरकार पर कई वार किए। उन्होंने कहा है कि 10, 11 व 12 फरवरी को आयोजित होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को कांग्रेस ग्लोबल इवेंट समिट मानती है, क्योंकि सरकार के केवल औद्योगिक विकास मंत्रालय ने 320 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। अन्य मंत्रालय से कितना खर्च हुआ होगा अनुमान आप लगा सकते हैं। साथ ही कहा कि सरकार ने इस इवेंट को करने के लिए एजेंसी हायर की है। मैं ये जानना चाहता हूं कि जिस एजेंसी का चयन किया गया है, चयन की प्रक्रिया क्या रही है, इसके लिए कितना भुगतान किया गया है, तमाम सवाल दागे। रोजगार मिलेगा, इवेंट से रोजगार मिलता है, कंपनियां आएंगी तब ना। मैंने आपको उदाहरण दिया ना, 2018 में जो हुआ था उसकी कितनी कंपनियां आई, आपको मैंने उदाहरण दिया। और ये जो उदाहरण मैं दे रहा हूँ, ये प्रदेश सरकार के शासनादेश का है और विधानसभा के जवाबों का है, कोई और प्रेस नोट या किसी तरह की और जानकारी नहीं, ऑथेंटिक जानकारी। हाँ, उसका भी नतीजा कुछ खास नहीं निकला, मात्र 9% ही इन्वेस्टमेंट आया। तो क्या अतीत के आधार पे हम कल्पना कर सकते हैं कि कल परसों 3 दिन के इस होने वाले समिट में इसका भी परिणाम